हेलो गाइस, मेरा नाम है स्नेडमिस और आज का वीडियो बड़ा ही सीरियस होने वाला है, तो काफी ध्यान से वीडियो देखिए। और वीडियो के स्टार्ट में बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो ना स्पेसिफिकली पेरेंट्स को ज्यादा टारगेटेड है, क्योंकि किड्स को ये बात ना इजीली नहीं समझ में आएगी। तो इसके लिए पेरेंट्स, आप प्लीज ये वीडियो अच्छे से देखिए एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है, जो इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में आपको इंग्लिश में अगर चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ZANKYE का एक वीडियो है उसका लिंक डाल दिया है। अगर आपको हिंदी में ही देखना है तो श्योरली मैं ये वीडियो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है ना, वो फेक बेब्लेड्स के बारे में। तो फेक बेब्लेड्स जो है ना, उनकी प्राइजेस काफी कम है। और रिसेंटली क्या हुआ है ना, उनका जो क्वालिटी है ना, मतलब कॉपी का जो क्वालिटी है ना, मतलब रियल लॉर्ड स्प्रिगन और फेक लॉर्ड स्प्रिगन, अरे भाई मतलब सही वाला कॉपी करते हैं, इतना मतलब वो रियलिस्टिक फील दे रहा है ना कि क्या ही बोलूं। और प्राइस तो मतलब मानो ही नहीं, $5-6, तो और रियल वाला लेंगे तो $30-35। तो मतलब सब लोग क्या बोलते हैं कि फेक का ही जमाना आ गया, अब तो हम फेक लेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे ना ये चीज के बारे में सॉलिड एक्चुअल डाउट था, बट क्या है कि YouTube पे कोई भी वीडियो ऐसे रैंडमली बना दिया और अगर उसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सी हो गई तो ऐसे हो सकता है कि मेरी बैंड बच जाए। तो इसके लिए ऐसे इसमें अगर किसी बड़े यूट्यूबर का हम सपोर्ट लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने आज एक वीडियो देखा ZANKYE के चैनल पे, जिससे ये प्रूव हो गया है कि जो ओरिजिनल्स है ना, उनमें ना बहुत अच्छा क्वालिटी चेकिंग और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। इसके लिए वो प्राइस है, क्योंकि उसमें डिजाइनिंग एस्पेक्ट एंड ऑल बहुत स्ट्रांग है। फेक्स है ना, ऑन द कॉन्ट्ररी, एक तो फर्स्ट पॉइंट है कि वो लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट मारते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, कोई भी शूज का ब्रांड ले लो, एडिडास का जो शूज है उसको सिर्फ कॉपी मार के बनाना है, कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा ना पॉइंट है ना, अपने लाइफ के ऊपर आ रहा है, स्ट्रेट बोल रहा हूँ। जो फेक बेब्लेड्स है ना, उनमें ना लेड का परसेंटेज पाया गया है। ZANKYE ने अपने वीडियो में ना एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया है 3M कंपनी से। अगर आपको 3M कंपनी नहीं मालूम है, तो उनका ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है प्रोटेक्शन और प्रिवेंटिव एंड ऐसे फिल्म काइंड ऑफ थिंग्स में, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंटिव, फिर कोटिंग एंड ऑल, ऐसे सब फिल्म कोटिंग्स एंड ऑल में उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है कंपनी का। तो उसका एक लिड चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसने ZANKYE ने यूज किया था अपने वीडियो में, और उसमें ना क्लियरली दिखता है कि ये जो फेक बेब्लेड्स हैं, जैसे फ्लेम ब्रांड के, सन ब्रांड के, तो उनमें ना लिड की परसेंटेज पाई गई है। अब आप बोलेंगे लिड की परसेंटेज पाई गई है तो लीड की परसेंटेज पाई गई है तो मतलब पेंसिल जो रहती है आप जिससे लिखते हो, मुंह में नहीं डालोगे ना, वो मुंह में डालोगे तो कुछ तो हो जाएगा आपको। तो यही बात पे है कि जो बेब्लेड्स फेक है उसमें ना जो लीड की परसेंटेज है ना, उसकी वजह से ना अगर आप इसको गलती से भी थोड़ा भी इंजेस्ट करते हो तो आपको लीड पॉइजनिंग हो सकता है, जो कि काफी हद तक हार्मफुल है। आप गूगल पे उसके इफेक्ट्स पढ़ सकते हो, वो मैं बायोलॉजी का वीडियो तो है नहीं तो वो सब मैं नहीं बताऊंगा, बट मेरे साइड से ये बताना चाहता हूँ कि ये काफी हार्मफुल है। और ये वीडियो जो मैंने बनाया उसका यही मकसद है, क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा लाइक मार्जिन पे ये फेक्स एंड ऑल का चीज चल रहा है, मैंने देखा है खुद ने। और ये सब चीज मतलब मुझे लगता था कि यार डाउट तो आ रहा है, बट आज मतलब बहुत धन्यवाद ZANKYE को जो उसने ये वीडियो बनाया और अवेयरनेस क्रिएट किया। और इसी के लिए मैं ये अवेयरनेस आगे बढ़ाना चाहता हूँ इंडिया में भी, कि यार फेक्स है ना मत बाय करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। ZANKYE ने एक्चुअली प्रॉपर एंड किया है वीडियो को सेइंग कि इफ यू वांट टू बाय फेक्स इट्स अप टू यू, नो द रिस्क एंड ऑल। बट देखो, अगर आप मुझे थोड़ा भी मानते हो ना इंडिया में कि बेब्लेड के लिए भाई ये बंदा सही है, या फिर हम इसकी वीडियो देखते हैं हमें पसंद है, तो मेरी मानो फेक्स मत बाय करो। मुझे मालूम है कॉस्ट बहुत ही टेम्पटिंग लगता है, एकदम रियलिस्टिक डिजाइन है, बट मत बाय करो। किसको इम्प्रेस करना है अगर वो आपके लाइफ को आगे जाके थ्रेटन करने वाला है तो, क्योंकि लेड ये जो मटेरियल है ना वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इतना तो 100% बात है। आप ओरिजिनल्स बाय करो। इंडिया में कैसे अभी बहुत सही वाला अपराइजिंग चल रहा है, लोग है ना जैसे कि अल्टीमेट हका एक है और बाकी भी इंडियन यूट्यूबर्स है जो लोग काफी सॉलिड वे में बेब्लेड को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे जिससे मतलब बेब्लेड टीवी पे भी आने लग गया। आप वो देखिए, उससे प्रमोशन बढ़ता है, आपके इंडिया में फन स्कूल खुद रिलीज कर देगा मैं बोलता हूँ।
फनस्कूल खुद रिलीज करेगा ओरिजिनल्स, और जब तक नहीं रिलीज होते तो इंडिया में जो ओरिजिनल्स है वो बाय करके खेलिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। काफी लोग उसका भी टूर्नामेंट्स रखते हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ मैं मुंबई में उसके टूर्नामेंट्स रखते रहूंगा, ड्यूल्स, ड्यूल लेयर्स और गॉड लेयर्स के। इनफैक्ट 29 को ऑलरेडी मेरा एक इवेंट प्लान है जोगेश्वरी में, तो श्योरली आप अटेंड कर सकते हो। तो ये फेक्स के चक्कर में मत ही पड़ो, काफी हार्मफुल चीज है, आज प्रूव हो गया है। मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मैंने वो वीडियो देखा ज़ैंकी का, और मुझे चांस मिल रहा है कि मैं ये अवेयरनेस स्प्रेड कर रही हूँ इंडिया में कि बाबा मत बाय करो और समझ जाओ। और आपको कोई भी अगर डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूंगा जैसे मुझे टाइम मिलता है। और जैसे मैंने कहा ऑलरेडी ज़ैंकी का जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप श्योरली वो वीडियो भी देखिए, लाइक उसमें प्रॉपर टेस्टिंग है, तो आप बोलते हैं ना प्रूफ, तो उसमें आपको प्रूफ भी मिल जाएगा और उससे आपको काफी हद तक चीजें समझ में आएंगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया हो, और पेरेंट्स प्लीज ध्यान दें ये चीज के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ, आप मुझे परचेस के टाइम पे, एनरोल के टाइम पे आप मुझे भी कॉल कर सकते हो, मैं श्योरली अगर तभी फ्री रहूंगा तो आपको डेफिनेटली या तो उसी मोमेंट पे या थोड़े टाइम बाद आपको हेल्प कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।